back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod. और आज का जो वीडियो है वो टाटा की जेस्ट के लिए है. टाटा की जेस्ट में आज सिक्वेंशियल किट लगाई है. बहुत बंदों का मानना है कि टाटा की जेस्ट में किट नहीं चलती है, बट मैंने काफ़ी गाड़ियों में लगा दी है. परफॉर्मेंस अच्छा आता है टाटा की जेस्ट में. टर्बो इंजन कार है ये, बस किट लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है इसके अंदर. आज जो हमने जेस्ट के अंदर किट लगाई है वो मीजो एक इंजन ब्रांड है, उसकी सिक्वेंशियल किट लगाई है. इसमें खास बात क्या है इस किट के अंदर, इट इज़ हैविंग इटालियन ECM जो इनका AEB से डिज़ाइन कराया हुआ है. और इनका जो रिड्यूसर है वो डबल स्टेज हाई प्रेशर सोलेनोइड वाल्व रिड्यूसर है. आप देखेंगे फिटिंग को कि हमने ये जो है रिवर्ट्रॉन 1.2 लीटर इंजन है इसका. यहाँ से गैस फिल की जाती है, ये गैस फिल करने का पॉइंट है. यहाँ पर आप गैस फिल कराते हैं. और आपका जो पीछे की तरफ लगा हुआ है वो इधर रिड्यूसर है, जो डबल स्टेज रिड्यूसर है. ये एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड CKP क्रैंकशाफ्ट प्रोसेसर. इससे इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, किट का पार्ट नहीं है. इससे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हद तक अच्छी हो जाती है. पीछे की तरफ जो लगा हुआ है वो इसका ECM है, जो AEB से डिज़ाइन कराया हुआ है इटली से. ये चार सिलेंडर की गाड़ी है, तो वी हैव इंस्टॉल्ड 4 इंजेक्टर्स फॉर द सेपरेट सिलेंडर्स. आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लैंपिंग की हुई है इसके अंदर. अगर हम बात करते हैं कि हमने पीछे की तरफ कितना कौन सा सिलेंडर डाला हुआ है, कितना बूट स्पेस बचा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 65 लीटर सिलेंडर है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज के अंदर 14 kg का सिलेंडर बोलते हैं. और यहाँ पर सेफ्टी वॉल लगाया हुआ है. आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत बढ़िया स्पेस बच गया, कितना भी आप लगेज रख सकते हैं. और नीचे की तरफ टायर रखा हुआ है, यानी कि आप इजीली इसके अंदर से टायर निकाल सकते हैं. इसका जो स्विच कैसे काम करता है, ये इसका स्विच है, मीजो का अपना स्विच है ये. और एक बहुत बढ़िया चीज ये है इस कंपनी की, ये सब कुछ लिखते हैं, मेंशन करते हैं यहाँ पर कि कौन सा कितना इसका वारंटी बचा हुआ है, कितना दिया है, किस डेट को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है. तो ये जुलाई 2020 इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है. और कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कभी क्लाइंट डीलर के पास आते हो, आपको बिल की रिक्वायरमेंट है, इसमें से देख के पता लग जाता है कि कब फिटिंग हुई है, क्योंकि एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है इन सारे पार्ट्स की. हमने हल्का सा एक्सीलेटर दिया है तो गाड़ी अपनी CNG पे कन्वर्ट हो जाती है. ये CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है. और एक्सीलेटर लेते हैं, फर्स्ट क्लास एक्सीलेटर में कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस. थैंक यू.